हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 फलों का चुनावी दंगल, है ना। इसमें सबसे पहले क्या बताया गया था, फलों के परिचय के माध्यम से हमें स्वस्थ रहने के बारे में बताया था कि हम किस प्रकार फलों का सेवन करके या उसको मतलब यूज करके खाके उसका उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, है ना। तो हमने कहां तक पढ़ चुके थे, जो संचालक महोदय थे, एक चुनाव के माध्यम से इस चैप्टर को बताया गया है कि जिस तरह चुनाव में सभी जो प्रत्याशी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अपना मतलब अपने यानी अपने आप को कि हमें चुनिए, है ना, तो अपनी जो विशेषताएं बताते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अमरूद जो फल है वो अपनी विशेषताएं उसने बता दिया, और उसके बाद आम ने भी अपनी विशेषताएं बता दिया, और जनता जो है क्या करती है, उसके दोष जो है, उसमें जो हानियां होती है, उससे हानि होती है, उसके बारे में भी बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। तो फिर आम और अमरूद ने क्या क्या अपनी विशेषताएं बताई और किस प्रकार उसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम हमारे शरीर को मतलब हमारा शरीर जो है अस्वस्थ ना हो। तो हमारे दो हो गए थे ना अमरूद, तो जैसे अमरूद ने क्या बताया था कि संतरे से ज्यादा विटामिन सी मेरे में पाया जाता है, पर किससे ज्यादा, संतरे से 4 गुना ज्यादा, है ना। फिर आम को बोला गया कि ज्यादा खाने से क्या होता है कि पेट में गर्मी हो जाती है, तो वो आम ने क्या उसको जवाब दिया कि अगर ज्यादा किसी भी चीज को करेंगे तो क्या होगा, उससे अति हो जाएगी और हमको नुकसान ही होगा। तो हम आगे अब जो जितने फल बचे हैं उसके माध्यम से ये जो चुनावी दंगल है, फलों का चुनावी दंगल, उसके बारे में बताएंगे। मतलब इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया कि चुनाव में प्रत्याशी जो होते हैं किस प्रकार से अपनी विशेषताएं बताते हैं और हमको किस प्रकार अपनी समझ से उनको वोट देना चाहिए, है ना। तो अब देखिए पेज नंबर 37 आप लोग निकालेंगे, उसमें देखिए संचालक जो है उनका कथन। अब जो संचालक है, मंच का संचालन जो कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, अब आप लोगों से मैं उनका परिचय करवा रहा हूँ जिनसे डॉक्टर भी घबराते हैं, जिनके रंग की तुलना व्यक्ति के लाल कपोलों से, कपोल यानी गाल, है ना, से की जाती है, जिन्हें अंग्रेजी में एप्पल, गुजराती में सफारजन यानी कि एप्पल को क्या बोलते हैं गुजराती में, सफारजन, इसमें अंडरलाइन करेंगे आप लोग पेंसिल से, और मराठी में सफाचंद पुकारा जाता है, है ना। सब नाम आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन क्या है अंदर से भी पूछे जाते हैं, तो अंग्रेजी में एप्पल, गुजराती में सफारजन और मराठी में सफाचंद पुकारा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, मैं अब बुला रहा हूँ समाज सेवा सेव दल के प्रत्याशी सेवू प्रसाद को। अब सेव को इन्होंने क्या नाम दे दिया है, सेवू प्रसाद। क्या होता है, जनता तालियां बजाती, सेवू प्रसाद लाल वस्त्र धारण किए हुए आते हैं, यानी ये सेब कैसा होता है, लाल रंग का होता है, इसलिए उसने कैसे वस्त्र धारण किया है, लाल रंग के, सबका अभिवादन करते हैं, सबके उनके समर्थक नारा लगाते हैं। ये देखिए किस प्रकार से सेब आया यहाँ पर, है ना, इस प्रकार की जो मतलब एकांकी के माध्यम से इस पाठ को दर्शाया गया है। तो अगर हम क्लास रहते तो हम उसको ऐसे ही पात्र बना के करते तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पर आपको पढ़ के ही सुना देते हैं, सेब क्या बोलता है, अब मैं आपकी अपनी तारीफ में क्या करूं, संचालक महोदय मेरी काफी तारीफ कर चुके हैं, यानी मेरी तारीफ तो संचालक महोदय कर चुके हैं, तो मैं अब क्या तारीफ करूं। फिर भी बोलते हैं, देखो डॉक्टर की राय में मैं उनका शत्रु हूँ क्योंकि मैं रोगों को भगाता हूँ, यानी कहते हैं क्यों शत्रु अपने आप को कह रहा है, क्योंकि डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर एप्पल हम खाएंगे तो हमारे शरीर को बहुत फायदा होगा, तो हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जिससे डॉक्टर का क्या होगा, नुकसान होगा, उसके पास फीस नहीं आएगी, उसके पास पैसे नहीं आएंगे, है ना, इसलिए सेब को एप्पल को क्या बोलता है, मतलब डॉक्टर ने क्या बोले हैं कि वो मेरा शत्रु है। फिर उनके छक्के छुड़ाता हूँ, अंग्रेजी में लोग मेरे बारे में कहते हैं एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, अर्थात रोजाना एक सेब खाएं डॉक्टर को दूर भगाएं, है ना। मैं हृदय रोग, कब्ज, एनीमिया और शुगर की रोकथाम करता हूँ, मैं दांतों को चमकाता हूँ और त्वचा की देखभाल करता हूँ, मैं फैट फ्री, सोडियम फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी हूँ, मुझ में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, आप मुझे कच्चा भी खा सकते हैं और सलाद बनाकर भी, मेरा जूस तो कई मायनों में स्वास्थ्य के लिए रामबाण है, यानी बहुत अच्छी दवा है। इस प्रकार किसने कहा, सेब ने कहा। अब जनता क्या बोलती है,
हम आप पर कैसे विश्वास करें कि आप बहुत अच्छे हैं। तो क्या बोलता है सेब, मैं नहीं कहता कि आप मुझ पर विश्वास करें, आप मेरे बारे में अपने बुजुर्गों और किसी डॉक्टर से पूछिए, वे आपको बताएंगे। आजकल तो इंटरनेट का युग है ना। तो कहते हैं कि मैं उससे भी जुड़ा हूँ, आप उस पर भी मेरे बारे में सर्च कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप अपनी राय बनाइए और अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाइए। तो इस प्रकार जो चुनाव में प्रत्याशी रहते हैं वो भी अपना इस प्रकार से विशेषताएं बताते हैं ना कि हमको वोट दो क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं या हम करेंगे जब जीत कर आ जाएंगे। तो इस प्रकार वो क्या बोलता है सिर्फ धन्यवाद भारत माता की जय। अब यहाँ पर देखिए जो बॉक्स में लिखा है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक जाल बनता है, उसी जाल को क्या कहते हैं इंटरनेट कहते हैं। हम अपने कंप्यूटर में सूचनाओं और दस्तावेजों का आदान प्रदान इसी की सहायता से कर पाते हैं। फिर आगे देखिए, फिर संचालक जो महोदय है ना, वो क्या बोलते हैं, सज्जनों और देवियों दिल थाम के बैठिए, अब आपके सामने आ रही है खट्टी मीठी लीची रानी। ये एक तरह जहाँ आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाती है वहीं आपके दिल की धड़कनों को भी काबू में रखती है, अर्थात आपके रक्तचाप यानी क्या होता है, खून का दबाव या ब्लड प्रेशर तो क्या करती है, सामान्य बनाए रखती है। स्वागत कीजिए मुजफ्फरपुर की नेत्री लीची रानी का, है ना, यानी इसको अच्छे शब्दों से क्या किया है, संबोधित किया। फिर क्या करती है, जनता तालियां बजाती है, लीची रानी लीची के रंग का वस्त्र धारण किए हुए आती है, सबका अभिवादन करती है, उनके समर्थक नारा लगाते हैं, है ना। लीची भी कैसे रंग की होती है, लाल रंग की होती है, तो उसने देखो कैसे वस्त्र धारण किया, लाल। अब देखिए लीची क्या बोलती है, आपको पाचन की समस्या है मुझे आजमाइए, आपके बाल रूखे सूखे हैं मुझे बुलाइए, आपके दिल की धड़कने बहुत तेज चलती मुझे खाइए, आपकी आंखें कमजोर है मुझे आजमाइए, मैं मोतियाबिंद जैसी बीमारी में भी लाभ पहुंचाती हूँ, है ना। अब ये देखिए मोतियाबिंद क्या होता है, आंखों की एक बीमारी जिसके कारण कम दिखाई देता है ना। मैं फिर आगे क्या बोलता, देखो क्या बोल रही लीची, मैं आपके रक्त परिसंचरण तंत्र को ठीक रखती हूँ और आपकी ऊर्जा बढ़ाती हूँ, बहुत सारी समस्याओं में मैं काम करती हूँ, वैसे मुझ में एक कमी है कि मैं सिर्फ गर्मियों में ही मिलती हूँ, है ना, या पाई जाती हूँ। क्या है कि मुझे सर्दी और बरसात पसंद नहीं है और ना ही और अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मेरा मौसम समाप्त होने वाला है, आप मुझे अपना वोट दें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और इस प्रकार वो धन्यवाद कह के चली जाती है ना। अब जनता क्या बोलती है, लेकिन आप तो मधुमेह को बढ़ाती है और आपको ज्यादा खाने से नाक से खून भी बहने लगता है, आपके सेवन से बच्चों की मौत भी हो जाती है। तो क्या बोलती लीजिए, मैंने बताया ना कि मेरी तासीर क्या है, गर्म है ना, मुझमें मिठास भी ज्यादा होती है, इसलिए मधुमेह के रोगी मुझसे बचे, मतलब जो जिनको शुगर होता है मधुमेह में ना, और स्वस्थ लोग भी मेरा कम मात्रा में सेवन करें, जो स्वस्थ रहते हैं उनको कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, ज्यादा खाएंगे तो नाक से खून ही नहीं निकलेगा बल्कि आपको बुखार भी हो सकता है, इसलिए संयम के साथ मेरा सेवन कीजिए और जीवन का आनंद उठाइए। और हाँ, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी मुझसे बचना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे खाली पेट बिल्कुल ना खाएं, धन्यवाद जय हिंद। इस प्रकार लीची लोगों का अभिवादन कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और चली जाती है। अब संचालक महोदय क्या बोलते हैं, माफ करना मित्रों, लीची रानी को कहीं जाना था इसलिए वे जल्दी चली गई, लेकिन अब मैं रसीली नसीली कोमलांगी और गुणों की खान अंगूरी देवी को बुलाना चाहता हूँ, मैं अपनी कोमलता और मिठास के लिए ही बहुत लोकप्रिय हूँ, तो स्वागत कीजिए अंगूरी देवी का। जनता तालियां बजाती है ना। अंगूरी देवी अंगूर के रंग का वस्त्र धारण किए हुए आती है, सबका अभिवादन करती है, उसके समर्थक सभी लोग नारा लगाते हैं, है ना। अब क्या बोलते हैं, बोला गया अंगूरी देवी क्या बोलती है, देखिए मैं तो कई रंगों में पाई जाती हूँ, बैंगनी लाल गहरा नीला पीला हरा नारंगी और गुलाबी, है ना, मुझे हर रंग पसंद है, मुझे पौष्टिक तत्वों का घर माना जाता है, मैं आपका जीवन खुशहाल बनाती हूँ, मुझमें फाइबर प्रोटीन तांबा पोटेशियम लोह और कई विटामिन पाए जाते हैं, मुझे आप साबुत भी खा सकते हैं और जैम बनाकर भी, जब मैं बूढ़ी हो जाती हूँ तो लोग मुझे किशमिश के नाम से जानते हैं, मतलब जब उसको सुखा लिया जाता है तो क्या बनती हूँ, किशमिश या
कम हो जाती है ना उसका दबाव। आप तो आप भी अपने जीवन को स्वस्थ, रंगीन और नशीला बनाइए, मुझे जिताइए। फिर क्या बोलती जनता, मोहतरमा आप समाज के लिए घातक हैं क्योंकि आप शराब बनाती हैं। तो क्या बोलती है अंगूरी देवी, इसमें मेरा क्या दोष, शराब तो चावल से भी बनती है, यह तो बनाने वाले का दोष है और उससे भी ज्यादा पीने वालों का, इससे मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप अपना मत दें और मुझे विजय बनाएं। तो संचालक क्या बोलते हैं, सज्जनों देवियों आशा है आप लोगों को इस चुनावी दंगल में पूरा मजा आ रहा होगा। आप अब आपके सामने आएंगे कदली, कदली मतलब होता है केला, है ना, महासंघ के अध्यक्ष पहलवान केला भाई, है ना, सबको इस प्रकार से संबोधित किया है। ये देखने में पीले, खाने में मुलायम किंतु शक्तिशाली, बनाने में उस्ताद है। जी हाँ, अब उनका स्वागत कीजिए। फिर क्या होता है देखिए, फिर जनता ताली बजाती है, है ना। पहलवान केला भाई पीले वस्त्र धारण किए, केला कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है, तो पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए केला आता है, सब आपका अभिवादन करते हैं और उनके समर्थक नारा लगाते हैं। फिर केला क्या बोलता है, आपने अभी जितने फलों को सुना वे सब बरसाती मेंढक हैं, है ना, कि थोड़े दिन के बरसात में जैसे टर टर करते हैं उसी प्रकार। मेरा मतलब है कि उनका एक मौसम होता है, मौसम खत्म होते ही वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग, है ना। एक मैं ही हूँ जो 12 महीने आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ, मतलब कि क्या बोला गया, केला हमेशा 12 महीने रहता है, हर मौसम में आपका साथ निभाता हूँ, मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट विटामिन, है ना, केले में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, उसके बाद विटामिन ए सी और बी, है ना, ए भी रहता है, सी भी रहता है और बी, लोहा फास्फोरस जिंक सोडियम पोटेशियम और प्राकृतिक शर्करा जैसे सुक्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाए जाते हैं, यही वे तत्व हैं जो मुझे सुपर फूड बनाते हैं। मैं आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता हूँ, आपका पेट ठीक करता हूँ, ऊर्जा का स्तर बनाए रखता हूँ, रक्तदाब दूर करता हूँ और अवसाद दूर करता हूँ, मतलब खून की कमी भी दूर करता हूँ और एनीमिया भी, है ना। यदि मैं अपना योगदान गिनाने लगूं तो पूरे रामबाण लिख सकता हूँ। इतना ही नहीं, लोग मेरे पत्ते पर खाना खाते हैं, मेरे तने की सब्जी बनाते हैं और तो और लोग मेरी पूजा भी करते हैं। तो जनता क्या बोलती, लेकिन आपकी लकड़ी किसी काम की नहीं होती। तो केला क्या बोलता, मुझ में लकड़ी नहीं होती, यह बात सच है, लेकिन मेरे पत्ते तने और जड़ तक का उपयोग खाने और दवाइयों में होता है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, इस चुनाव में आप मुझे ही अपना समर्थन दें, यानी मुझे ही चुने। केला भाई लोगों का अभिवादन कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब देखिए कौन सा फल आने वाला है। फिर संचालक महोदय क्या बोलते हैं, सज्जनों और देवियों अब आपके सामने आ रहे हैं स्वामी संतरा। स्वामी जी का कहना है कि जो लोग इनका सेवन करते हैं वे सदा जवान रहते हैं और उनके चेहरे पर चमक बनी रहती है, यानी कि सभी का परिचय संचालक महोदय ने कैसे दिया है, बहुत अच्छी विशेषता बता बताकर। तो आगे देखिए, साथ ही दिल भी मजबूत रहता है और मोटापा भी कम होता है। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ संतरा स्वामी का, है ना, जनता तालियां बजाती है। संतरा स्वामी संतरी वस्त्र धारण किए हुए आते हैं, संतरे रंग का, है ना, भगवा मतलब सबका अभिवादन करते हैं और सभी लोग समर्थक नारा लगाते हैं। फिर संतरा क्या बोलता है, इस संसार में सभी लोग स्वस्थ और जवान रहना चाहते हैं, कोई है कोई जो जल्द बूढ़ा होना चाहता, कोई नहीं होना चाहता, सभी जवान रहना चाहते हैं ना। तो जनता क्या बोलती है एक सुर में, नहीं, है ना। तो संतरा क्या बोलता है, तो फिर मुझे वोट दीजिए, सदा जवान और स्वस्थ बने रहिए, ये मेरा वादा है, मेरा रंग भी नहीं मेरा स्वाद भी लाजवाब है, मुझ में एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और विटामिन सी है जो आपकी उम्र बढ़ती उम्र को प्रभाव से बचाता है। मैं आपके दिल को भी स्वस्थ रखता हूँ और आपकी आंखों को रोशनी भी तीव्रता से देता हूँ, मेरा आपसे वादा है कि मैं आगे भी ऐसा करता हूँ। नमस्कार, जय जवान जय किसान। ठीक है, संतरा स्वामी लोगों का अभिवादन कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर संचालक महोदय क्या बोलते हैं, देवियों और सज्जनों सबसे अंत में मैं आपके समक्ष बुलाना चाहता हूँ, जिनके बिना हिंदुस्तान में कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, किसी भी शुभ काम से पहले उसका अभिनंदन यानी कि स्वागत या सम्मान किया जाता है,
वे ऊपर से देखने में जितने कठोर हैं, अंदर से उतने ही गुणकारी, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो स्वागत कीजिए नारियल प्रधान का। कैसा होता है नारियल? कड़ा होता है ऊपर से, अंदर से उतना ही कोमल। जनता तालियां बजाती है। नारियल प्रधान हरे वस्त्र धारण किए हुए आते हैं, सबका अभिवादन करते हैं और सभी लोग नारा लगाते हैं। अब देखिए नारियल क्या बोलता है। मित्रों आप मुझसे परिचित हैं, मैं नारियल हूँ, मैं बहुउपयोगी हूँ। आप मुझे कच्चा खा सकते हैं, आप मुझे सुखाकर खा सकते हैं, आप मेरा पानी पीकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। मैं हर रूप में फायदेमंद हूँ। मुझ में विटामिन, खनिज, एमिनो एसिड, फाइबर, प्रोटीन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैं आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता हूँ, कब्ज दूर करता हूँ, नक्सीर का इलाज करता हूँ, एलर्जी दूर करता हूँ, याददाश्त बढ़ाता हूँ, आपका वजन नियंत्रित करता हूँ, पेट के कीड़े मारता हूँ और आपकी अनिद्रा दूर करता हूँ। आप मुझे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप मेरी जटा से रस्सी और गिरी से तेल बना सकते हैं, लकड़ी से मकान बना सकते हैं और मेरे दूध का भी प्रयोग कई बीमारियों के इलाज में कर सकते हैं। मेरी चटनी तो लाजवाब होती है। मेरे उपयोग और महत्ता के कारण मुझे श्रीफल कहा जाता है। मेरे बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है और हर शुभ कार्य से पहले मुझे ही फोड़कर उसका श्री गणेश होता है। श्री गणेश मतलब आरंभ होना, शुरुआत होना, है ना, आरंभ होना और शुरुआत होना। ठीक, उसके बाद देखिए जनता क्या बोलती है। वो तो ठीक है श्रीमान श्रीफल जी, लेकिन आपका फल निकालने में हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है, आप इतने कठोर क्यों हैं? तो नारियल क्या बोलता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। जो चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है उसकी कद्र कम होती है कि नहीं, कि जैसे हमको जल्दी मिल जाती है तो हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं और देर से मिलती है तो हम उसकी कद्र भी करते हैं। हाँ हाँ, हंसता है, अरे मैं तो दार्शनिक बन गया। दार्शनिक मतलब दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, तत्व यथार्थता को जानने वाला। अच्छा मित्रों, आपने मुझे सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप मुझे अवश्य अपना मूल्यवान मत देकर विजय बनाएंगे। जय श्रीमान, जय श्री राम, जय हिंद। ठीक है, अब नारियल प्रधान लोगों का अभिवादन कर, नारियल प्रधान लोगों का अभिवादन कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब क्या बोलते हैं आखिरी में संचालक महोदय। मित्रों अभी आपने चुनावी दंगल में विभिन्न दलों के नेताओं के भाषण सुने। इस चुनाव में नींबू, नाशपाती, जामुन, कीनू, तरबूज, खरबूजा, शहतूत, टमाटर, पपीता आदि भी खड़े हैं, वे भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है और आप सब उनसे परिचित हैं। आप लोग इनके बारे में विचार कीजिए और अपना कीमती वोट देकर किसी एक को विजय बनाइए। वैसे मेरा मानना है कि सभी के अपने अपने गुण और लाभ हैं, इसलिए चुनाव में जरूर सावधानी बरतना। आज का चुनावी दंगल यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस प्रकार सभी क्या करते हैं, फलों का स्वागत करते हैं। तो फलों का परिचय आपको आज क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है पूरा और जितनी मीनिंग आई है उसको लिखना है आपको, और उसके साथ साथ जो फल का परिचय है उसको भी पढ़ लेना है ना। उसमें क्या दिया, देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए फल बहुत ही उपयोगी है ना। फलों के सेवन से हमें लंबी आयु के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इनके सेवन से हमारे शरीर में क्या क्या होते हैं, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति होती है जो हमें नहीं मिल पाते, जो हमारे शरीर को अच्छी तरह काम करने के लिए अति आवश्यक है। फाइबर युक्त फल हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। जो अपना वजन कम करना चाहते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें फल को अपने आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए, मतलब कि फल खाना चाहिए। हमें हमेशा ताजे फलों का सेवन करना चाहिए, नहीं तो जैसे हम बहुत सारे लाके रख देते हैं और फिर खाते रहते हैं कई दिनों के बाद, तो वो फायदेमंद नहीं होते। बाजार में मिलने वाले कटे फटे फल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत महंगे होते हैं तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़े सस्ते वाले ले लेते हैं, तो वैसे फल नहीं खाना चाहिए। आजकल बाजार में फलों के डिब्बाबंद जूस और जैम भी उपलब्ध है, उनके सेवन से भी बचना चाहिए। मतलब बोला गया है कि अगर हम फल मतलब खाएं तो ज्यादा फायदेमंद है, तो जूस से ज्यादा फायदा हमको किससे होता है, फल से होता है ना। तो ये फलों का परिचय भी आपको एक बार पढ़ना है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको हम एग्जाम में दे सकते हैं। तो आज ये चैप्टर यही समाप्त हो गया है। आप लोग आज क्या करेंगे, मीनिंग लिखेंगे होमवर्क के रूप में और ये जो फलों का परिचय है उसको भी पढ़ लेंगे। धन्यवाद।